वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रीस एंशिएंट ग्रीस वी विल डिस्कस द ग्रीक सिविलाइजेशन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिटी स्टेट्स एज वेल एज वी विल डिस्कस लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द फिलोसफर्स ऑफ द टाइम लाइक सोक्रेटिस प्लेटो एरिस्टोटल in the last phase of today's discussion. So without wasting our time, let's start ancient Greece or the peoples of the city-states. So first of all, we will discuss that what the role of the geography that played in the formation of the civilization of the early Greeks. Yunaniyon ki usme ज्योग्राफी का क्या रोल है. ज्योग्राफी ने बड़ा रोल प्ले किया हुआ है शहरी रियासतें डिवेलप करने में और यानी ग्रीस ज्योग्राफी एंड इट्स नियरनेस टू द सी यानी एजियन सी के करीब होने जो कि मैं आगे में डिस्कस करूंगा मेडिटेरेनियन और एजियन सीज आ रहे हैं आगे जो कि इनके बिल्कुल करीब हैं और उनकी डिवेलपमेंट में उनकी सिविलाइजेशन को डिवेलप करने में बड़ा रोल प्ले किया हुआ है टू द सी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द डिवेलपमेंट ऑफ द ट्रेड एंड द ग्रोथ ऑफ द सिटी स्टेट्स. सो ज्योग्राफी ने ज्योग्राफी हेल्प शेप अर्ली ग्रीक सिविलाइजेशन यानी ज्योग्राफी ने जो कदीम यूनानी तहजीब थी उसको शेप करने में हेल्प किया और ट्रेडिंग कल्चर्स डिवेलप्ड इन द मिनोअन और माइसिनियन सिविलाइजेशन में वो तजारती सकाफत ने प्रमोट हुई. द ग्रीक क्रिएटेड सिटी स्टेट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी और ग्रीक्स ने अपनी तहफ्फुज के लिए जो है वो सिटी स्टेट्स बनाई. अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी ने जो रोल प्ले किया हुआ है उनकी ग्रीक्स की सिविलाइजेशन को शेप देने में वो क्या है और ये किस तरह से हुआ है आगे. तो एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस वाज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न यूरोप. ये इनकी जो सिविलाइजेशन है तहजीब यूनानियों की ये साउथ ईस्टर्न यूरोप वाली साइड पर आती है लांग द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन के करीब है मेडिटेरेनियन के साहिल के करीब है. तो द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन हेल्प्ड हम यहाँ पर जो मेन चीज है वो ज्योग्राफी है. ज्योग्राफी ऑफ द रीजन हेल्प टू शेप द गवर्नमेंट एंड कल्चर ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स. उनकी गवर्नमेंट और उनकी कल्चर उनकी सकाफत को प्रमोट करने में कदीम यूनानियों की में ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस इंक्लूडिंग अब वो ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस क्या थी जो ज्योग्राफी ने तो रोल प्ले किया है. अब ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन में ज्यादातर जो थी वो माउंटेन्स सीज और आइसलैंड जो थे और जो नेचुरल बैरियर के तौर पर यूनानी कदीम यूनानी शहरी रियासतों में के लिए थे उनको उनके दरमियान एक कुदरती बैरियर का काम कर रहे थे एंड फोर्स द ग्रीक्स टू सेटल अलोंग द कोस्ट और वो उसके करीब रहते थे. यानी तकरीबन आगे मैं आपको बताऊंगा कि 80% तो उनके माउंटेन्स बनते हैं. ठीक है जी. अच्छा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि द ग्रीक्स कॉल देयर लैंड्स हेलास उन अपनी जो जहां पर रहते थे उस जगह को हेलास कहते थे और इंग्लिश वर्ड ग्रीस जो है वो रोमन वर्ड से आया है यानी कम्स फ्रॉम द रोमन वर्ड फॉर द कंट्री. फॉर द कंट्री के लिए है ये ग्रेशिया या ग्रेसिया से है, लिया गया है. ठीक है जी. एंशिएंट ग्रीस का सो हम देखते हैं कि एजेंसी का क्या रोल है. एजेंसी को आप देख लें दरमियान में और उसकी नॉर्दर्न साइड पर आपको ब्लैक सी मिलेगा और सदर्न पर जो है वो मेडिटेरेनियन सी मिल रहा है. ईस्ट वाली साइड पर आपको तुर्की मिल रहा है और दरमियान में आपको एजेंसी बिल्कुल करीब है यानी मतलब ग्रीस का वो सारा कुछ. तो द रीजन ऑफ द मेडिटेरेनियन वेयर द ग्रीक्स फर्स्ट सेटल्ड इज कॉल्ड द एजेंसी. सबसे पहले ग्रीस ग्रीक यूनानी लोग जो जिस जगह पर आबाद हुए वो एजेंसी है और इसमें एबीसी हम देखते हैं कि ग्रीक सिटी स्टेट्स फॉर्म्ड ऑल अलोंग द एजियन कोस्ट लाइन एंड ऑन द मेनी आइसलैंड्स इन द एजेंसी यानी कि उसके बिल्कुल करीब वो आकर आबाद हुए. वो इसको यानी सिटी टू सिटी ट्रेवल करने के लिए भी वो इसी एजेंसी को इस्तेमाल करते थे और अपने खुराक के लिए भी इसी को इस्तेमाल करते थे एजेंसी को ही यूज करते थे. ये तो है इनकी सिविलाइजेशन में इस सी का एक बड़ा रोल है. ठीक है जी. आगे हम देखते हैं माउंटेन. तो
यानी द लैंड ऑफ द ग्रीस इज फुल ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों से, और तकरीबन 80% ग्रीक मैन लैंड इज माउंटेनियस है। दिस मेड इट डिफिकल्ट टू मेक लॉन्ग जर्नी बाय लैंड। तो जाहिर सी बात है लैंड के जरिए इतना बड़ा सफर तय करना मुश्किल है क्योंकि लैंड कम है, माउंटेन ज्यादा है। तो द माउंटेन्स ऑल्सो फॉर्म नेचुरल बेरियर्स बिटवीन द मेजर सिटी स्टेट्स, और पहाड़ों ने उन सिटी स्टेट्स के दरमियान कुदरती बैरियर का काम किया हुआ है। द टालेस्ट, उनका सबसे बड़ा माउंटेन, उसको माउंट ओलंपस कहते हैं, और कहा यह जाता है कि उस माउंटेन माउंटेन ओलंपस पर उनके 12 ओलंपियंस यानी गॉड्स रहते हैं। और एक बात याद रखने की है कि कदीम यूनान के लोग गॉड्स और गॉडेसेस पर बड़ा बिलीव करते थे, और तकरीबन हर शहरी रियासत में, सिटी स्टेट में जो है वो के लोग किसी न किसी जो देवी देवता की को मानते थे, को बिलीव उनका उसके ऊपर था। तो एंशियंट ग्रीक्स बिलीव एट दैट गॉड्स द 12 ओलंपियंस लिव्ड एट द टॉप ऑफ माउंट ओलंपस, ये उनका है। आगे चलते हैं, ये तो है रोल इनके उसका माउंटेन्स का। आइसलैंड का रोल देखते हैं। आइसलैंड यानी जजीरे इधर हैं, उसमें आइसलैंड की और एजेंसी इज द होम टू तकरीबन 1,000 जजीरे हैं एजेंसी के। इस फिगर में आप देख सकते हैं बहुत से जजीरों के नाम, यानी मतलब उन्होंने लिखे हुए भी हैं। और द ग्रीक सेटल्ड ऑन मेनी ऑफ दीज आइसलैंड्स इंक्लूडिंग, अब ग्रीक ज्यादातर इन जजीरों पर रहते थे, जिनके नाम, जिनमें सबसे बड़ा जो है वो क्रीट है, जो सबसे बड़ा जजीरा है। उसके बाद रोड्स है और क्योस है, डिलोस है। तो ये जजीरे इनकी, इन पर रहते भी थे, और जजीरे इनकी सिविलाइजेशन की फॉर्मेशन में इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। जजीरों के बाद आ जाते हैं इनकी आबोहवा की तरफ। तो फेवरेबल क्लाइमेट थी यहाँ पर रहने के लिए, यानी ड्राई ज्यादा था और सर्दियां कम थी। तो ज्यादा यानी मतलब माइल्ड विंटर्स थी ज्यादातर, जो कि सदर्न कैलिफोर्निया से मिलती जुलती हैं। और ये पहाड़ जो थे, ये इनको ग्रीस वालों को नदरन क्लाइमेट की यानी उससे बुरी आबो हवा से इनको रोकते भी थे, और मौसम काफी खुशगवार रहता था। ठीक है जी, आगे चलते हैं कि जो तजारती कल सकाफत जो उनके यहाँ डिवेलप हुई, जो कि मिनोअन और माइसिनियन सिविलाइजेशन में, उसमें क्या है। तो ये आप फिगर में देखें, क्रीट उनका जजीरा है वहां पर। तो मिनोअन्स दे स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम एट सी ट्रेडिंग इन द मेडिटेरेनियन, ये लोग जो है वो ज्यादातर समुद्री तजारत करते थे, और इनके पास समुद्री जहाज थे जिस पर ज्यादातर ये तजारत में, इनके पास लकड़ियाँ, ओलिव ऑयल और बर्तन वगैरह होते थे, जो कि ऑल अराउंड मेडिटेरेनियन पर ये इसकी तजारत करते थे। दे बिकेम द विक्टम्स ऑफ द ह्यूज वोल्केनो डेट इरप्टेड नॉर्थ ऑफ क्रीट, क्रीट के बिल्कुल नॉर्थ वाली साइड पर जो है वो वहां पर आतिशबाजी भी फटता था, और दे वर नॉट कंसिडर्ड टू बी ग्रीक सिंस दे डिड नॉट स्पीक ग्रीक, और ये लोग ज्यादा, इनको ग्रीक्स नहीं कहा जाता क्योंकि ये ग्रीक्स यूनानी बोलते नहीं थे, ये बोल नहीं सकते थे। आगे चलते हैं, ट्रेडिंग कल्चर डेवलप इन द मिनोअन एंड माइसिनियन सिविलाइजेशन कंटिन्यूड है। वो मिनोअन कल्चर थी, वह मिनोअन सिविलाइजेशन थी, माइसिनियन सिविलाइजेशन, माइसिनियंस जो थे दे वर द फर्स्ट पीपल टू बी कंसिडर्ड ग्रीक्स। अब ये वो लोग हैं जिनको हम पुराने या कदीम यूनानी कहते हैं, और दे लिव्ड इनलैंड एंड बिल्ट फोर्ट्रेसेस, इन लोगों ने रहने के लिए जगह बनाई, इन्होंने किले बनाए, इन्होंने रहने का एक बाकायदा इंतजाम किया। दे वर मोर वायलेंट इन देयर ट्रेड, और तजारत में बड़े वायलेंट थे। दे टुक ओवर क्रीट एंड बिकेम द मेजर ट्रेडर्स इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, और इन्होंने क्रीट पर उन्होंने ऑक्यूपाई किया, और इस तरह से ये एक बड़े ताजरों की हैसियत से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में मशहूर हुए। दे डिवेलप्ड कॉलोनीज इन दी नदरन ग्रीस एंड इटली, फ्रॉम विच दे शिप्ड गुड्स अराउंड द मेडिटेरेनियन एंड द ब्लैक सी, जो मैंने आपको उस नक्शे में बताया था कि एक साइड पर ब्लैक सी है और साथ में नीचे वाली साइड पर, अगर आपको याद हो तो वो बिल्कुल साउथ में जो है वो आपको वो मेडिटेरेनियन सी था। तो ये इनकी ट्रेडिंग के लिए, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉलोनीज बनाई। आपको कॉलोनीज को आपको पता है कि कॉलोनीज जो डेवलप्ड नेशन बनाती हैं तो उनके क्या मकासद होते हैं और उनसे क्या मकासद हासिल कर रहे होते हैं। तो इन्होंने ज़्यादातर नॉर्दर्न ग्रीस में बनाई और इटली वगैरह के इलाकों में बनी, यूरोप के ईस्टर्न यूरोपियन उसमें आते हैं ये इलाके, और फ्रॉम विच दे शिफ्ट गुड्स
और जहाँ पर ये अशिया वगैरह का तबादला करते थे मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के उस तरफ। अच्छा, अब हम चलते हैं ग्रीक सिटी स्टेट्स। ग्रीक्स ने सिटी स्टेट्स यानी ग्रीक्स क्रिएटेड सिटी स्टेट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये बात मैंने शुरू में की थी कि यूनानियों ने जो सिटी स्टेट्स बनाई थी उनका मेन मकसद जो था वो अपने अपना दिफा करना था। तो इनके यहाँ जो सिटी स्टेट जो जो क्रिएट होती हैं, ये डेवलप होती हैं, वो 750 BC से 400 BC तक, ठीक है जी। यानी ये वो पुराना यानी कदीम जमाना है जिसमें ये जो है वो सिटी स्टेट डेवलप करते हैं। सिटी स्टेट्स वर स्मॉल इन एरिया, छोटी थी, ठीक है। यानी द ग्रीक्स वर्ड फॉर सिटी स्टेट इज, और वंस ग्रीक्स यूनानी लोग अपनी शहरी रियासतों को पॉलिस का नाम देते थे। पॉलिस पॉलिस यानी एर्कोपॉलिस, ये फलां फलां फलां, ठीक है जी। अ सिटी स्टेट वाज यूजुअली बिल्ट अराउंड अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस ऑन द टॉप ऑफ अ हिल कॉल्ड एन एक्रोपोलिस। यानी ज्यादातर इन्होंने जो शहरी रियासतें बनाई तो वो आपको शुरू में मैंने बताया था कि पहाड़ ज्यादा थे, तो पहाड़ के बिल्कुल ऊंची जगह पर ये अपनी उसको बनाते थे, और वो सिटी स्टेट का वो एक उनकी यानी अमीर लोगों की एक जगह यानी तस्वर की जाती थी। यानी ऊंची जगह पर ये बनाते थे, यानी और ज्यादातर ऊंची जगह पर ये कला वगैरह बनाते थे, ठीक है जी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। और उसी जगह को उन्होंने उस पूरी सिटी स्टेट को पॉलिस का नाम देते थे, और यानी उस ऊंची जगह को यानी स्ट्रांग फोर्ट्रेस वाली जगह को, जो हाई हिल वाली जगह है, उसको एक्रोपोलिस का नाम देते थे। पीपल लिविंग इन एंशियंट, और नीचे वाली जगहों पर जो है वो बिजी शॉपिंग सेंटर और ये वाली सारी चीजें होती थी, आगे जिक्र भी इनका होगा शायद। तो पीपल लिविंग इन एंशियंट ग्रीस डिड नॉट थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज ग्रीक बट एज सिटीजन ऑफ देयर सिटी स्टेट। ये बड़ी काबिल गौर बात है कि जो लोग रहते थे आम, अब ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि ज्यादातर अच्छे यानी मतलब एक तरह से एरिस्टोक्रेटिक किस्म की फैमिलियां और एलिट क्लास रहती थी, तो नीचे वाले जो लोग थे ना, पीपल पीपल लिविंग इन एंशियंट ग्रीस डिड नॉट थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज ग्रीक। वो अपने आप को यूनानी यूनानी नहीं कहते थे, बल्कि अपने आप को शहरी कहते थे, शहरी रियासतों का, सिटी स्टेट का सिटीजन कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, पीपल फ्रॉम एथेंस कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज एथनियंस, यानी एथन में रहने वाले अपने आप को एथनियंस कहते थे। एंड पीपल फ्रॉम स्पार्टा जो थे वो अपने आप को स्पार्टन्स कहते थे, मिसाल के तौर पर, ठीक है जी। तो द टू मोस्ट पावरफुल एंड फेमस सिटी स्टेट वर, और एथेंस और स्पार्टा बहुत ज्यादा यानी उन तमाम सिटी स्टेट्स में से जो है वो एक पॉपुलर सिटी स्टेट्स थी। और हमारी जो पॉलिटिकल फिलोसफी में खास तौर पर हम एरिस्टोटल और प्लेटो या सोक्रेटिस वगैरह का जो जिक्र करेंगे, तो उनमें एथेंस को हम ज्यादा कोट करेंगे, क्योंकि एथेंस जो थे वो मेरे एक आप इस एथेंस और स्पार्टा के वजह से मैंने डिटेल लेक्चर भी डिलीवर किया, और मेरे से यूट्यूब चैनल पर आप जाकर उसको आप उसको जाकर देख लें, उसमें मैंने एथेंस और इनको ज्यादा है, तो मैं यहाँ इनको डिटेल नहीं करूंगा, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। लाइफ इन अ सिटी स्टेट, सिटी स्टेट्स के अंदर लोग किस तरह से मतलब जिंदगी गुजारते थे, किस तरह से रहते थे, जिस तरह से एक्रोपोलिस का मैंने बताया कि ऊंची जगह पर और उस तरह से बनाते, तो लाइफ इन सिटी स्टेट बिकेम द फाउंडेशन फॉर ग्रीक सिविलाइजेशन एंड गेव द ग्रीक्स एन आइडेंटिटी। यानी एथनियंस, एथेंस में रहने वाले लोगों को एथनियन बनाने में, उनकी उनकी एक इनकी सिविलाइजेशन को प्रमोट करने में, उनकी आइडेंटिटी बनाने में उनकी सिटी स्टेट ने बड़ा रोल प्ले किया हुआ है, ठीक है जी। और ईच सिटी स्टेट हैड इट्स ओन स्पेशल गॉड्स और गॉडेस। जैसे शुरू में मैंने जिक्र किया था कि हर शहरी रियासत का अपना एक गॉड या देवी या देवता होता था। सो द टाउन अराउंड द एक्रोपोलिस वाज सराउंडेड बाय वॉल्स एंड प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्शन। यानी शुरू में मैंने बताया कि उन्होंने सिटी स्टेट डेवलप अपनी सिक्योरिटी के लिए की थी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए की थी। तो वो जो एक्रोपोलिस के इर्द गिर्द जो दीवार वो बनाते थे वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और ये काम जरूर करते थे वो, ठीक है। अराउंड द एक्रोपोलिस वाज सराउंडेड बाय वॉल फॉर प्रोटेक्शन, सो पीपल नो लॉन्गर हैड टू फियर रेडर्स। यानी अब वो उनको कोई खौफ नहीं होता था कि बाहर से कोई आकर हमला करेगा। और लाइफ इन द सिटी फोकस्ड ऑन द मार्केट प्लेस आर एगोरा। यानी ज्यादातर जिंदगी जो थी वो उनकी मार्केट प्लेस में गुजरती, यानी एगोरा में गुजरती थी। यानी वो ज्यादातर जिंदगी, ज्यादातर लोगों की चहल पहल, ज्यादातर लोगों की आमदोरफ्त
आप इस फिगर में आप इस में देख सकते हैं कि एनागोरा का उन्होंने नक्शा थोड़ा सा बताया हुआ है कि यहाँ पर तजारत करने के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर लोग बिजी शॉपिंग सेंटर है, लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोग यानी एक तहजीब डिवेलप हो रही है। तो जिंदगी लाइफ इन सिटी स्टेट कुछ इस तरह से थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सिटी स्टेट्स एंड कॉलोनाइजेशन, शुरू में मैंने जिक्र किया था कि इनके यहाँ कॉलोनाइजेशन का एक वो चल रहा था। सो सिटी स्टेट्स एंड कॉलोनाइजेशन, लाइफ इन ग्रीस बिकेम मोर सेटल्ड। अब यूनान में, कदीम यूनान में जिंदगी बड़ी सेटल थी एंड पीपल एग्रीड डेट द ग्रीक्स शुड एस्टेब्लिश कॉलोनीज, और के वो अपनी कॉलोनीज बनाएं, यानी ऐसी जगह ऐसे एरियाज बनाएं जहां पर वो हुकूमत कर सकें। सो बिफोर लॉन्ग ग्रुप्स फ्रॉम सिटी स्टेट्स अराउंड ग्रीस बिगैन सेटिंग अप कॉलोनीज रिंगिंग द मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के गिर ये काम शुरू किया। दे स्प्रेड ऑल अराउंड द मेडिटेरेनियन एंड द ब्लैक सी, और रफ्ता रफ्ता इसके बिल्कुल इसको उन्होंने छा गए। सो पैटर्न्स ऑफ ट्रेड, अब वो जाहिर सी बात है तजारत का मैंने शुरू भी जिक्र किया था। ऑल्दो द कॉलोनीज वर इंडिपेंडेंट थी, दे ऑफन ट्रेड विद द सिटी स्टेट्स ऑन द मेनलैंड। तो वो उनके मरहूने मेहनत जरूर थी, यानी वर इंडिपेंडेंट दे ऑफन ट्रेड विद सिटी स्टेट्स के साथ वो करती थी। ट्रेड मेड द सिटी स्टेट्स मच रिचर, और उस तजारत ने यानी एक तरह से एजेंसी और मेडिटेरेनियन सी के मरहूने मेहनत होना चाहिए उनको का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने उनको एक खुशहाल बना दिया, उनको प्रस्पेरस बना दिया, उनको रिचर बना दिया, उन सिटी स्टेट्स को। सून द ग्रीक्स हैड बिकम द ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स इन द होल एशियन रीजन, और करते करते ये यूनानी लोग जो थे वो पूरे एशियन रीजन में एक बड़े ताकतवर ताजर के तौर पर जो है वो मशहूर होने लगे और एरिया बड़ा डिवेलप होने लगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्पार्टा और एथेंस के बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि द टू मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट जो ग्रीस में जमाने में थी वो स्पार्टा और एथेंस की शहरी रियासतें थी, या स्पार्टियंस और एथनियंस थे। हैड वेरी डिफरेंट कल्चर्स एंड बिकेम बिटर एनिमीज इन 400 BC। ये दोनों बड़ी रिच किस्म की कल्चर हैं और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। राइट पे आप एथेंस को देख सकते हैं और लेफ्ट पे आप स्पार्टा के लोगों को देख सकते हैं। ये आपस में खूब लड़ते थे, लड़ाइयाँ होती थी। द स्पार्टन्स बिल्ट अ मिलिट्री सोसाइटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ठीक है जी, यानी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन तो यूनानियों को चाहिए थी और स्पार्टा ने ये काम फुलफिल किया। द एथेनियंस एडमायर्ड द माइंड एंड द आर्ट्स इन एडिशन टू फिजिकल एबिलिटीज, यानी वो माइंड या रीजन या लॉजिक की ज्यादा बात करते थे। स्पार्टा एंड एथेंस फॉट ओवर वो शुड हैव पावर एंड इन्फ्लुएंस इन ग्रीस, यानी वो लड़ने का मकसद जो है वो पावर गेम या पावर हासिल करना ही था, या ग्रीस पर इन्फ्लुएंस हासिल करना होता था। आगे चलते हैं। एथेंस के लोग थोड़ा सा आप फिगर को भी देखें, यहाँ पर आपको थोड़े से कुछ अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह के लोग थे। एथेंस इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉडेस एथीना, यानी एथन को जो हम एथेंस के नाम देते हैं, उनके खुदा उनकी देवी से गॉडेस है एथीना से, यानी शी वॉज द गॉडेस ऑफ विजडम वॉर एंड सिविलाइजेशन एंड द पैटर्न ऑफ द सिटी ऑफ एथेंस। यानी वो जो उनकी देवी थी वो गॉडेस ऑफ क्या थी, गॉडेस ऑफ विजडम वॉर एंड सिविलाइजेशन एंड द पैटर्न ऑफ द सिटी ऑफ एथेंस। अंडरस्टैंड? सो हर श्राइन जहाँ पर वो उसकी पूजा करते थे, वो जो जगह थी द पेरिथिनन, ठीक है, हर श्राइन द पेरिथिनन सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल इन द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी शहर के दरमियान में जो जगह ऊंची थी, पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पहाड़ी की होती थी, वहां पर उन्होंने एक जगह पेरिथिनन बनाई हुई थी, वहां पर उसकी इबादत की जगह वो थी, और उस जगह को उसकी वजह से जो है उन्होंने उसको नाम दिया। द एथनियंस एडमायर द माइंड एंड द आर्ट्स इन एडिशन टू द फिजिकल एबिलिटी, यानी फिजिकल एबिलिटीज से ज्यादा ये जो दिमाग का जो काम है, माइंड और आर्ट्स, इस पर ज्यादा तवज्जो देते थे, बल्कि उसको ज्यादा फोकस करते थे, बल्कि उसे ज्यादा एडमायर थे। ठीक है जी, एथेंस वाज
एथन वाज द होम ऑफ ग्रीक डेमोक्रेसी एंड कल्चर, और एथेंस को हम यूनानियों की जमहूरियत का या उनकी सकाफत का सरचश्मा कहते हैं, और एथन वाज ए बिजी सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉमर्स, ये काम भी वहाँ था, ठीक है ना, और एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंशिएंट एथेंस, में तालीम बहुत पॉपुलर थी यानी बड़ी एमिनेंट थी, और अ पीसफुल सिटी स्टेट एथेंस की होती थी। डायग्राम में आप फिगर में आप देख लें कि किस तरह से ये सारा सिलसिला है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में कि दी पेरिथेनन, जो जिसका जिक्र पीछे आया है कि वो जो जगह थी उनकी देवी की, और वहाँ पर ये यानी मतलब पेरिथेनन वाज आप यानी मतलब एक ब्यूटीफुल यानी उनकी टेंपल है टू द मतलब उनकी गॉडेस एथेनन्स का, जिससे लोग जो है वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, और इस टेंपल में वो जाते थे अपने सालाना जाते थे, और वहाँ पर उनका एक और फिर करते करते ये पूरी दुनिया में ये जो है वो मशहूर हो गई। ये वाली फिगर आप जहाँ भी देखें उस साल में यानी वन से ईयर द पीपल ऑफ एथेंस हेल्ड अ ग्रेट ट्रेडिशन एट देयर इन द ऑनर ऑफ द एथनिया, यानी उनकी जो देवी थी पार्ट ऑफ द यानी मतलब देयर ट्रेडिशनल मतलब उनका वो है, उनका एक रवायती वो होता था, और अराउंड थ्रू द सिटी और वो सारा सिलसिला ये करते थे, यानी उनका एक मुकद्दस जगह थी, और इस वजह से एथनियंस ने एथीनिया से उन्होंने उसको नाम भी दिया, और वो एक पेरेथीनियन का मशहूर हुआ, तो ये जगह का नाम है शहर में ऊंची जगह पर। एथन में गवर्नमेंट कैसी थी? द पीपल ऑफ एथेंस ट्राइड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिफोर क्रिएटिंग ए डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत इतनी एक ही दिन में, ये पहले दिन ही जमहूरियत उनके यहाँ नहीं आई है, बल्कि वो एक टाइम लगा है, यानी एरिस्टोक्रेट्स एंड टायरेंट्स रूल अर्ली एथेंस, शुरू में अर्ली यानी शुरू में जो शुरू के जो एथेंस थे एथन में, शुरू में जो सबसे शुरू में जो लोग थे वो एरिस्टोक्रेट होते थे और टायरेंट किस्म के लोग होते थे। उसके बाद एथेंस क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेमोक्रेसी, उसके बाद डेवलप हुई एंशियंट डेमोक्रेसी वाज डिफरेंट देन मॉडर्न डेमोक्रेसी, और उनकी जमहूरियत और आजकल की जमहूरियत में फ़र्क है, इसको हम डिटेल में किसी लेक्चर में देखेंगे इनके इन चीज़ों को, ठीक है जी। आगे टायर रूल्स अर्ली एथेंस, यानी शुरू में जो लोग हुकूमत करते थे एथेंस के हवाले से यानी ग्रीक्स में, वो टायरेंट्स थे, टायरेंट्स सीज पावर। टायरेंट्स कौन लोग थे? दे आर पावरफुल इंडिविजुअल्स यूजुअली नोबल्स और अदर वेल्दी सिटीजन्स हु सीज कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट बाय अपीलिंग टू द कॉमन पीपल फॉर सपोर्ट, यानी ऐसे अमीर लोग थे और ऐसे यानी जिनके पास जिन्होंने ऐसे अमीर लोग शहर के जिन्होंने करते करते इक्तदार अपने हाथों में लिए और लोगों को अपनी सपोर्ट के लिए अपील करने लगे। अनलाइक टुडे टायरेंट्स जनरली वर नॉट कंसिडर्ड हार्श एंड क्रूल, लेकिन वो लोग आजकल के टायरेंट की तरह हार्श और क्रूल नहीं थे। वंस इन पावर फॉर एग्जाम्पल टायरेंट्स ऑफन सेट अप बिल्डिंग प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड जॉब्स एंड हाउसिंग फॉर देयर सपोर्टर्स, जो लोग उनको सपोर्ट करते थे फिर उनको उनके साथ उनका कोई जुल्म नहीं होता था, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनको जॉब प्रोवाइड करते थे, उनको उनको पनाह देते थे, उनको हाउसिंग देते थे, उनको तमाम वो इस तरह से करते थे टायरेंट्स, उनके टायरेंट्स आज इस तरह के टायरेंट्स नहीं थे। फिर एरिस्टोक्रेट्स जो कि शुरू के एथन में जो है वो ये काम करते थे, एरिस्टोक्रेट्स एंड टायरेंट्स रूल्ड अर्ली एथेंस, पर जिस तरह के मैंने एरिस्टोक्रेट्स एंड टायरेंट्स रूल्ड अर्ली एथेंस, एथेंस वाज द सिटी वेयर डेमोक्रेसी वाज बॉर्न बट इट्स स्टार्टेड आउट एज एन ओलिगार्की, अ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ फ्यू पीपल होल्ड पावर, यानी ओलिगार्की क्या है कि जिसमें कुछ चंद अमीर लोग जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, या हुकूमत उनके हाथों में होती है। सो अ ग्रुप ऑफ रिच यानी ओलिगार्क्स ओलिगार्क्स एथेंस में उनके बाद टायरेंट्स के बाद ये लोग थे, ओलिगार्क्स थे कुछ लोग थे, और उसके बाद अ ग्रुप ऑफ रिच लैंड ओनर्स कुछ जागीरदार होते थे जिनको एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं, इनके पास भी इख्तियार था एज रिजल्ट ऑफ रेबल्स ट्राइंग टू ओवरथ्रो द एरिस्टोक्रेट्स, हार्श लॉज वर क्रिएटेड बाय मैन नेम्ड ड्रैको, ड्रैको का जिक्र आगे आएगा, ड्रैको ने जो है वो इस तरह से काम किया था और बड़े ये एज रिजल्ट ऑफ रेबल्स यानी बहुत ज्यादा बगावतियों ने ओवरथ्रो दिया, एरिस्टोक्रेट्स को ओवरथ्रो करना है हार्श लॉज वर यानी उनके खिलाफ फिर ये सिलसिला हुआ था, यानी ये इस तरह का सिलसिला इस तरह के लोगों ने भी शुरू के जो है वो एथेंस में
यानी ग्रीक्स, पुराने ग्रीक्स के एथेंस में जो है वह एथनियन लोगों ने हुकूमतें की। आगे चलते हैं, एथेंस बिल्ट अ लिमिटेड डेमोक्रेसी, और उस जमाने में एथेंस के लोगों ने, इसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, कि इन्होंने रफ्ता रफ्ता ये जमहूरियत की बुनियाद रखी। और डेमोक्रेसी इन एक्शन आपको इस फिगर में नजर आ रही होगी कि किस तरह से एक बंदा जो है वो ऊंची जगह पर कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग जो है वो मशवरा करके हाथ उठाकर उसका इंतखाब कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि एथेंस बिल्ट अ लिमिटेड डेमोक्रेसी, यानी इसको हम उस जमाने की एक लिमिटेड डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। लाइक अदर सिटी स्टेट्स, और भी में भी था, लेकिन एथेंस हैड पावर स्ट्रगल्स बिटवीन रिच एंड पुअर के दरमियान थी, और एथनियंस रिफॉर्मर्स मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल, एंड एथेंस सिटीजंस पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, और लोग डायरेक्टली उधर जमा होते थे, और आप फिगर में देखें आपको नजर आ रहा होगा कि लोग मशवरा कर रहे हैं, और फिर एक शख्स को अपना जो है वो एक शख्स को डायरेक्टली उसका इंतखाब कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये लिमिटेड डेमोक्रेसी उन्होंने डिवेलप की एथेंस के लोगों ने। फिर डेमोक्रेसी रफ्ता रफ्ता कैसे बिल्ड हुई है, ड्रेकोनियन लॉ। ड्रेकोनियन लॉ का मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकली यहाँ समझाऊंगा कि ये क्या चीज है। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत की तरफ जो पहला स्टेप था, केम व्हेन अ नोबल मैन नेम ड्रेको, यानी ड्रेको टुक पावर। ड्रेको ने जब अख्तियार या पावर या ताकत हासिल की, एक नोबल मैन था ये, 621 BC की बात है, कि ड्रेको डेवलप्ड अ लीगल कोड, ड्रेको डेवलप्ड अ लीगल कोड बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल एथेनियंस वर इक्वल अंडर द लॉ। ड्रेको ने कहा कि तमाम एथेनियंस जो हैं वो कानून की नजर में बराबर हैं। तो ड्रेकोस कोड डेल्ट वेरी हार्शली विद क्रिमिनल्स बाय मेकिंग डेथ दी पनिशमेंट फॉर प्रैक्टिकली एवरी क्राइम, और फिर इट आल्सो अपहेल्ड सच प्रैक्टिसेस एज डेब्ट स्लेवरी एंड विच डेब्टर्स या डेटर्स वर्क ए स्लेव्स टू रीपे देयर डेब्ट्स, यानी कर्जा उतारने के लिए उनको कैद रखा जाता था, उनको रीपे करने के लिए उनको गुलाम रखा जाता था, देर अपना उसको उतारने के लिए। और यानी इसने एक ड्रेकोस कोड वाज सेड टू बी रिटन इन ब्लड बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल क्राइम्स वर, यानी मतलब देयर दे हैव बीन डेल्ट। सो ड्रेकोनियन लॉ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड डेमोक्रेसी कैम, नोबल मैन नेम ड्रेको, ड्रेको टुक पावर। सो 621 में ड्रेको डेवलप्ड लीगल कोड इसने बनाया, द एडेड ऑल एथनियंस वर इक्वल अंडर द लॉ। यानी हम ये देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले फांसी की सजा दी गई, डेथ सेंटेंस, के भाई आप ऐसा नहीं कर सकते वरना हम आपको सजाए मौत देंगे। तो ये एक लॉ का कंसेप्ट, और ये यहाँ पर एक आप देखते हैं लोगों के यहाँ क्या कंसेप्ट था। सोलोन डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय सोलोन, सोलोन सोहन वो कैम टू पावर इन 594 BC। डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी रिफॉर्म्स हुई, स्टेटेड डेट नो सिटीजन शुड ओन अनदर सिटीजन, यानी स्टेटेड डेट नो सिटीजन शुड ओन अनदर सिटीजन। सोलोन आउटलॉड डेट स्लेवरी, यानी इसने वो डेट स्लेवरी जो थी उसको वो आउटलॉ कर दिया और कहा कि नहीं ठीक। ये ऑर्गेनाइज ऑल एथनियन सिटीजन इनटू फोर सोशल क्लासेस अकॉर्डिंग टू वेल्थ, उसने दौलत के अतबार से एथेंस के अंदर फिर चार बड़ी क्लासेस लोगों के यहाँ बना दी। ओनली मेंबर्स ऑफ द टॉप थ्री क्लासेस कुड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और उनमें से भी चार में से पहली ऊपर वाली तीन क्लासेस जो हैं वो सियासी इदारे उनको कर सकते थे। हाउएवर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ क्लास कुड पार्टिसिपेट इन द एथनियन असेंबली में, एथनियन असेंबली जो पिछली फिगर में आपने देखी थी वो उसमें सारे लोग आ सकते थे, यानी चुनाव करने के लिए। सोलोन वाज इंट्रोड्यूस द लीगल कंसेप्ट डेट एनी सिटीजन कुड ब्रिंग चार्जेस अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स, यानी इसने ये चीज़ मुतहारफ कराई, एक लीगल कंसेप्ट मुतहारफ करवाया डेट, यानी जो शख्स गलत करेगा या बुरा करेगा उसके खिलाफ आप वो चार्जेस लगा सकते हैं। तो सोसाइटी इज वेल गवर्न व्हेन इट्स पीपल ओबे द मैजिस्ट्रेट्स एंड द मैजिस्ट्रेट्स ओबे द लॉ, यानी सोलोन ने ये कहा था कि आप कानून की पासदारी करें तो
उसमें अमन रहेगा, यानी आप उसको फॉलो करें। और उसने यानी उसने एक कोड ऑफ कंडक्ट किया और लोगों को तहफ़ दिया, ठीक है जी। इसके बाद कैलिथिनीस, कैलिथिनीस जो है वो ये 500 बीसी का जो टाइम है, डेट द एथनियन लीडर कैलिथिनीस इंट्रोड्यूस फर्दर रिफॉर्म्स। अब इसने मजीद कोलोन के बाद इसने भी ड्रेको या ड्रेकोनियन लॉ के बाद कोलोन और उसके बाद कैलिथिनीस मजीद रिफॉर्म्स लेकर आता है एथेंस में, यानी कदीम यूनान में। ही ब्रोक अप द पावर ऑफ द नोबिलिटी बाय ऑर्गेनाइजिंग सिटीजन इनटू 10 ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेयर दे लिव्ड रादर देन ऑन देयर वेल्थ। यानी कोलोन ने तो चार तरह के लोगों को चार कैटेगरी में तकसीम कर दिया था, लेकिन फिर भी इंतखाब करने के लिए सबको कहता था और ऊपर वाली तीन कैटेगरी को ज्यादा अहमियत देता था। इस शख्स ने क्या किया कि इसने उसको भी तोड़ दिया और दी पावर ऑफ यानी इसने नोबल से यानी उस क्लास से अख्तियार ले लिया बाय ऑर्गेनाइजिंग और लोगों को 10 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया। दे ऑन देयर मतलब दे लिव्ड बेस्ड ऑन वेयर दे लिव्ड रदर देन ऑन देयर वेल्थ, यानी दौलत की बुनियाद पर उसने तकसीम नहीं की थी। ही आल्सो इंक्रीज द पावर ऑफ द असेंबली बाय अलाउइंग ऑल सिटीजन टू सबमिट लॉज फॉर डिबेट एंड पैसेजेस। सो द रिफॉर्म्स ऑफ कैलिथिनीज अलाउड एथनियन सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन अ लिमिटेड डेमोक्रेसी। यानी उससे पहले कुछ लोग आते थे और इसके बाद इसने ये अलाउ कर दिया कि अब सारे लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं इंतखाब करने में अपने लीडर का, अपने सरबराह का। सिटीजनशिप वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ एथनियंस और कम लोगों के। ओनली फ्री एडल्ट मेल प्रॉपर्टी ऑनर्स बॉर्न इन एथेंस वर कंसिडर्ड सिटीजंस। यानी इसके इसके हाँ ये हुआ कि कुछ यानी सिटीजनशिप को इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्मॉल नंबर ऑफ एथनियंस को, और उसमें कौन लोग थे, एडल्ट मेल प्रॉपर्टी ऑनर्स थे जो कि उसमें सिटीजन का जिनको दर्जा दिया गया, और वमेन स्लेव और फॉरनर जो थे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिटीजनशिप एंड हैड फ्यू राइट्स। यानी इसने थोड़ा सा ये सख्ती की कि इसने आम लोगों को जगह ना दी, खवातीन को जगह ना दी, फॉरनर को जगह ना दी, गुलामों को जगह ना दी और इनको सिटीजनशिप से निकाल दिया गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ग्रीक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इसको एक रिव्यू में देखते हैं कि मोनार्की इनके हाथ थी, यानी मोनार्की जो है वो गवर्नमेंट ऐसी थी जिसमें कि एक बादशाह यानी किंग रूल करता है, रूल इज और वो रूल हेरिडिटरी होती है, और सम रूलर्स क्लेम डिवाइन राइट, यानी मतलब कुछ कहते हैं कि यानी मुझे हकमीते यानी मतलब मुझे यानी उसको यानी वो डिवाइन ओरिजिन जो है वो उसके तहत वो यानी रूल करने का हक रखता है। और ये माइसिनियस 2000 बीसी में वहां पर ये लोग ऐसा करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि यूनान में आहिस्ता आहिस्ता एरिस्टोक्रेसी डिवेलप हुई, स्टेट रूल बाय नोबिलिटी। अब क्या हुआ कि एक बादशाह की बजाय कुछ ज्यादा नोबल लोग ऊपर आने लगे और ये भी हेरिडेटरी और बेस्ड ऑन फैमिली टाइज पर थी, सोशल रैंकिंग पर थी और दौलत पर थी, ठीक है, सोशल स्टेटस और वेल्थ सपोर्ट रूलर्स अथॉरिटी प्रैक्टिस इन एथेंस प्रायर टू 594 बीसी, यानी 594 बीसी से पहले पहले यानी मतलब यूनान में ये थी एरिस्टोक्रेसी मोनार्की के बाद, ठीक है जी। आगे चलते हैं, यहाँ पर ऑलिगेर्क, उसके बाद क्या हुआ, ऑलिगेर्क आई यानी स्टेट रूल बाय स्मॉल, यानी वो थोड़े से लोग थे और ये ज्यादा अमीर लोग होते थे और कंट्रोल यानी दे रूलिंग ग्रुप कंट्रोल्स मिलिट्री, ठीक है। प्रैक्टिस इन स्पार्टा में ये काम ज्यादातर हुआ कि जो ताकत की बुनियाद पर आकर हुकूमत करते थे, और ये स्पार्टा में तकरीबन 500 बीसी के गिर्द ये सिलसिला होता रहा। फिर क्या हुआ, ये जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे थे जिसको कैलेथिनीज और कोलोन्स ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, तो इसमें स्टेट रूल बाय इट्स सिटीजंस जो हैं वो आकर इंतखाब करते थे, रूल इज बेस्ड ऑन सिटीजनशिप मेजॉरिटी, यानी सिटीजनशिप में कैलेथिनीज ने कुछ लोगों को सिटीजनशिप का दर्जा ना दिया, ठीक है जी, लेकिन मेजॉरिटी रूल डिसाइड वोट, ज्यादातर लोग जो हैं वो
अपना वोट का यानी हाथ उठाकर इंतखाब करते थे। और प्रैक्टिस इन एथेंस बाय मार्च, और 500 में ही एथेंस कितना एडवांस था कि वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हो रहा था। और अगर स्पार्टा को इसी दौर में देखें तो वहां पर मिलिट्री का राज था, और यानी स्मॉल ग्रुप ऑफ सिटीजन्स उसको वेल्थी और एबल लोग जो हैं वो यानी ओलिगार्क्स जो हैं वो चला रहे थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बॉयज एंड मेन्स इन एथेंस, यानी मर्द और लड़के और मर्द, ये क्या थे? बॉयज एंड मेन्स इन एथेंस, एथेंस मैन राइवल इन ग्रीस वाज स्पार्टा। जाहिर सी बात है एथेंस के दुश्मन कौन थे? स्पार्टियन थे। दो दे आल्सो वर्क टू इम्प्रूव देयर बॉडीज, दे हैड टू डिवोट ओनली 2 ईयर्स टू द आर्मी। ठीक है जी, दे लर्न टू रीड राइट काउंट एंड सिंग। वेल्दी बॉयज कंटिन्यूड देयर एजुकेशन विद अ प्राइवेट ट्यूटर, वहां पर उनके लिए रखा होता था। जो अमीर लोग होते थे उन्होंने एक प्राइवेट ट्यूटर रखा था, उनको पढ़ाता था। बॉयज फ्रॉम पुअर फैमिलीज यूजुअली बिकेम फार्मर, और जो ज्यादातर गरीब होते थे एथेंस में वो किसान ही बनते थे। ठीक है जी, आगे चल रहे। गर्ल्स एंड वेमेन इन एथेंस, एथेंस में जो खवातीन थी और जो इनका क्या, खातून और लड़कियों का और खवातीन क्या क्या इनका वो क्या क्या इनका रोल था? अनलाइक बॉयज, गर्ल्स रिसीव्ड ऑलमोस्ट नो एजुकेशन। क्लियर है, खवातीन को ये लड़कों के लिए ट्यूटर था और उनको तालीम दी जाती, लेकिन गर्ल्स रिसीव्ड ऑलमोस्ट नो एजुकेशन बिकॉज मैन डिड नॉट थिंक दे नीडेड टू बी एजुकेटेड। एथनियन वेमेन हैड फीवर राइट्स देन वेमेन इन मैनी अदर सिटी स्टेट्स, इन फैक्ट दे हार्डली हैड एनी एट ऑल। यानी खवातीन तालीम के एतबार से बहुत इनको दूर रखा जाता था यहाँ पर। आगे चलते हैं। स्पार्टा, अनलाइक देयर काउंटर पार्ट इन द सिटी ऑफ द एथेंस, एंड एथेंस की तरह नहीं, स्पार्टा वॉज अ वॉरियर सोसाइटी थी। स्पार्टा वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन द एंशियंट ग्रीस, यानी पुराने यूनान में स्पार्टा के लोग बड़े ही मतलब मजबूत तस्वर किए जाते हैं। स्पार्टा फोकस्ड ऑन फॉरेन कॉन्क्वेस्ट इन रिस्पॉन्स टू पॉपुलेशन प्रेशर, और नेबरिंग सिटी स्टेट्स वर कंकर्ड एंड एनेक्स। ये इधर उधर हमले करते और कोई हमले इनके खिलाफ हमले की सोचता भी नहीं था, और ये एनेक्स करते थे यानी कुछ एरिया अपने साथ में मिला देते थे। सिटीजंस लिव्ड अकॉर्डिंग टू स्टर्न रूल्स एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थी वहां पर। इंडिविजुअल लाइव्स वर रेगुलेटेड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सिटीजन वर डिनाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रॉपर्टी ओनरशिप। ऑल लैंड वॉज ओन्ड बाय द स्टेट एंड रेंटेड आउट टू पीपल। ठीक है जी, पोलिटिकल राइट्स वर ग्रांटेड ओनली टू ए स्मॉल बॉडी ऑफ लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट्स को, सियासी हकूक थे, बाकी लोगों को कोई कोई हक नहीं था, बल्कि वो उनको कोई ओनरशिप और प्राइवेट इस तरह की कोई चीज हासिल नहीं थी स्पार्टा के हवाले से देखा जाए तो। और स्पार्टा के लोगों ने एक मिलिट्री सोसाइटी बनाई थी, ये वॉरियर सोसाइटी थी। सो डेली लाइफ इन स्पार्टा वाज डोमिनेटेड बाय द आर्मी, एंड बॉयज वर ट्रेंड फ्रॉम एन अर्ली एज टू बी सोल्जियर तक, यानी शुरू से लेकर पैदाइश के बाद से लेकर आगे तक इनको फौजी ही बनाया जाता था। स्पार्टन मैन रीच फुल सिटीजनशिप एट द एज 30 एंड कुड देन मूव बैक होम, और उसके बाद ये घर आते थे। बट दे स्टेड इन द आर्मी अंटिल दे टर्न 60, और 60 साल तक ये फिर आर्मी में ही सर्विस करते थे। स्पार्टन इन्फेंटिसाइड, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि बर्थ पर स्पार्टन बेबीज वर एग्जामिन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड ओवरसीयर्स टू डिटरमिन इफ दे वर हेल्थी। अगर वो बच्चा ठीक है, तंदुरुस्त है, तो इफ द ग्रुप डिटरमिन्ड द चाइल्ड वाज हेल्थी, अगर वो ग्रुप ये कहे कि वो बच्चा हेल्थी है तो इट वाज अलाउड टू लिव, उसको यानी मतलब अलाउड टू लिव। इफ नॉट द बेबी वाज टॉस्ड ओवर अ क्लिफ आउटसाइड ऑफ स्पार्टा, यानी उसको एक पहाड़ी से नीचे जाकर फेंक दिया जाता था कि वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से स्पार्टन इन्फेंटिसाइड्स का ये तस्वर उनके यहाँ स्पार्टा के लोगों में था। व्हाट वाज इट लाइक टू ग्रो अप एज अ बॉय इन स्पार्टा, ये भी अजीबोगरीब कहानी है इनकी कि स्पार्टा के लड़के, स्पार्टन बॉयज वर ट्रेंड टू बी सोल्जर्स फ्रॉम देयर यूथ। क्लियर हो गई बात, दे वर रेज्ड बाय देयर मदर्स अंटिल द एज ऑफ 7, 7 तक माँ के पास, एंड देन टेकन अवे टू एंटर अ मिलिट्री स्कूल कॉल्ड द एगोज एगोग।
यानी 7 साल के बाद माँ से बच्चे को ले लिया जाता था। उसके बाद उसको एक मिलिट्री स्कूल में दाखिल कर दिया जाता था। दी गर्ग वॉज अ टफ स्कूल वेयर बॉयज लिव्ड इन बैरक्स में रहते थे, वर ट्रेंड हाउ टू फाइट बट ऑल्सो टर्न लर्न हाउ टू रीड एंड राइट भी सिखाया जाता था। दे बॉयज एंड द बॉयज एंड वर ऑफन बीटन, ठीक है, द बॉयज वर ऑफन बीटन, गिवन लिटिल टू ईट टू मेक देम टफ एंड इनकरेज टू फाइट वन अनदर, ठीक है जी। सो वेन द बॉयज टर्न 20 दे एंटर इन टू द स्पार्टन आर्मी, और 20 साल की उम्र के बाद उस लड़के को स्पार्टा की फौज में जो है वो उसमें भर्ती कर लिया जाता था। सो बॉयज वर इनकरेज टू स्टील फूड, इफ दे वर कॉट दे वर बीटन, नॉट फॉर स्टीलिंग बट फॉर गेटिंग कॉट, ठीक है जी। सो बॉयज वर इनकरेज टू स्टील फूड, यानी खाना चुराने के लिए उनको इनकरेज किया जाता था। इफ दे वर कॉट, अगर वो पकड़े जाते दे वर बीटन, और नॉट फॉर स्टीलिंग, चोरी पर नहीं बल्कि पकड़े जाने पर मारा जाता है। Getting caught, Spartan boys were taken away from their parents at the age of 7. वो आप लेफ्ट साइड पर के फिगर में देख सकते हैं कि उसको वाल्डेन से उनकी फौज लेकर जा रही है। Were encouraged to fight, एक दूसरे को मारने के लिए उनको एक्साया जाता था, तो ये इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग हुआ करती थी। गर्ल्स एंड वेमेन, स्पार्टा की खवातीन क्या करती थी? गर्ल्स एंड स्पार्टा, स्पार्टन गर्ल्स आल्सो वेंट टू स्कूल एट द एज ऑफ 7 की, 7 साल की उम्र में स्कूल जाती थी। Their school was not tough as the boys, but they didn't train in athletes and exercise. But they did train in उन लड़कियों को भी athletes और exercises वगैरह सिखाई जाती थी। Did the women stay fit so they would have strong sons who could fit for Sparta? और अच्छी खवातीन यानी strong खवातीन जो है वो strong Sparta के लोग पैदा करेंगे। Were married at the age of 18, 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती थी। अच्छा जी, वुमेन्स स्पार्टा की खवातीन और क्या करती थी? बिकॉज मेन वर ऑफन एट वॉर, तो वेमेन हैड मोर फ्रीडम, वेमेन हैड मोर फ्रीडम एंड एजुकेशन देन मोस्ट ग्रीक सिटी स्टेट्स एट द टाइम। सो दे रैन द हाउस होल्ड एंड ओन प्रॉपर्टी। तो खवातीन इस तरह से खवातीन का ये रोल होता था। आगे चलते हैं, हेलेट्स स्लेव्स ऑफ द स्पार्टन, स्पार्टन स्पार्टा के जो स्पार्टा में जो गुलाम थे उनकी क्या क्या सूरत हाल होती थी, वो किस तरह से जिंदगी गुजारते थे। ऑफ द स्पार्टन स्लेव्स ऑफ द स्पार्टन दे फॉर्म द लैंड, वो खेती बाड़ी करते थे बट हैड टू गिव हाफ ऑफ देयर क्रॉप्स टू द स्पार्टन एंड ऑल्सो परफॉर्म अदर मैनुअल लेबर फॉर द स्पार्टन। There were a lot more helots than Spartans. Or in order to keep control, the Spartans had a secret police that kept track of the helots and killed anyone who they thought might rebel. Any helot caught trying to escape was killed. यानी उनको उन उन्होंने जासूस रखे होते थे, इन जो काश्तकार होते थे गुलामों को काश्तकारी के लिए उकसाया जाता था और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उसको उस जासूस के लिए पकड़ा जाता और सजा दी जाती। तो ये काश्तकारी का सिलसिला स्पार्टा के लोगों ने हेलेट्स यानी उन स्लेव से वो लेते थे। आगे चलते हैं, स्पार्टन गवर्नमेंट कैसी थी, स्पार्टन की गवर्नमेंट। सो स्पार्टन गवर्नमेंट, स्पार्टा वाज ऑफिशियली रूल्ड बाय टू किंग्स वो जॉइंटली लेड द आर्मी, ठीक है, दो बादशाह थे, ठीक है, और रूल बाय टू किंग्स वो जॉइंटली लेड द आर्मी, बट इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्चुअली हैड मोर पावर देन द किंग्स, लेकिन जो बादशाह से ज्यादा इलेक्टेड उसकी ज्यादा वो होती थी। दीज ऑफिशियल्स हैंडल्ड डीलिंग्स बिटवीन स्पार्टा एंड अदर सिटी स्टेट्स, और ये इलेक्टेड दूसरे लोगों के साथ जो डीलिंग वगैरह होती थी ये करता था, वो वाला किंग नहीं करता था जो कि मुंतखब नहीं होता था। Spartan government was set up to control the city helots. Are slaves. Spartan government was set up to control the city helots are. Spartan की government city के काश्तकारों को और helots को और slaves को control करती थी। Sparta was officially ruled by two kings,
वो जाइंटली लेड द आर्मी, ये मैंने पढ़ लिया। इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी आपको नजर आ रहे हैं और वो वाला बादशाह भी नजर आ रहा है, ठीक है जी। देन दी किंग्स एंड हैंडल डीलिंग बिटवीन दिस पार्ट एंड अदर पार्ट किंग, लैनियर्ड्स आपको एक उस फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। स्पार्टन आर्मी का वैसे जिक्र हम कर चुके हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एथेंस एंड स्पार्टा में थोड़ा सा फर्क इन्होंने यहाँ पर इस फिगर में आप देखें। एथेंस में डेमोक्रेसी थी, सेंटर ऑफ कॉमर्स, फ्लरिशिंग आर्ट्स थी, लिटरेचर था, फिलोसफी थी, एजुकेशन थी फॉर मैन एंड सम वेमेन, स्ट्रांग फैमिली लाइफ, लेजर टाइम था। और स्पार्टा में क्या था, मिलिट्री और ऑलिगार्की थी, डिपेंडेंट ऑन सर्व्स टू प्रोड्यूस फूड्स और ऑर्गेनाइज टू सपोर्ट द मिलिट्री, मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर मैन, बड़ा सख्त किस्म का मिलिट्री का, एथलेटिक ट्रेनिंग खवातीन के लिए थी, फैमिलीज केप्ट अपार्ट लिटिल लेजर टाइम था। सेल्फ सफिशिएंट, दोनों को अगर देखें तो सेल्फ सफिशिएंट सिटी स्टेट थी, स्ट्रांग कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप था, स्ट्रांग बिलीफ इन सर्विस टू द सिटी स्टेट था, स्ट्रांग सेंस ऑफ प्राइड इन सिटी स्टेट था, और एथलेटिक वैल्यू दोनों में पाई जाती थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ग्रीस वर्सेस पर्शिया, यानी ये पर्शियन वॉर से इसको थोड़ा सा वो किया हुआ है। ओवर टाइम द पर्शियन केम टू रूल, इसमें इसे इसको हम ग्रीक सिटी स्टेट से इसको हम नहीं ले रहे इस वाली स्लाइड्स को, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, इट्स सफिशिएंट फॉर यू टुडे, होप यू हैव अंडरस्टैंड द ग्रीक सिटी स्टेट्स मोर अबाउट, एंड वी विल डिस्कवर मोर अबाउट ग्रीक स्टेट्स एंड ग्रीक फिलोसफी इन दी कमिंग लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।